हेलो दोस्तों, तो आज हम जो हमारे पास वॉशिंग मशीन की मोटर है उनके बारे में जानेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारे जो नए जो सीखते हैं मशीन को रिपेयर करना, उन्हें इनके कॉमन समझ नहीं आते, क्योंकि जितने भी हमारे पास मोटर होते हैं उनमें तीन वायर होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास कंपनी के मोटर्स होते हैं उनके अंदर कितने वायर होते हैं? तीन वायर होते हैं। अब इनमें से कॉमन जानना बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी देखो, ये सारे के सारे क्या रिपेयर मोटर है, कोई भी इनमें ओरिजिनल मोटर नहीं है। ओरिजिनल मोटर का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी होती है, तो ये सारे के सारे क्या रिपेयर मोटर हैं, देख सकते हो डेट वेट सब डला पड़ा है। तो जितने रिपेयर मोटर होते हैं उनके अंदर एक कॉमन बात होती है, कॉमन बात क्या होती है कि कंपनी कुछ टाइप के ही कॉमन मोटर बनाती है। जैसे क्या है कि ये जो मोटर है ये मैक्सिमम मशीनों में लग जाती है, मतलब जैसे कि ये देख सकते हो इसका जो कट है ना, ये यूनिक अलग है, तो ये मोटर सब में नहीं लगा सकते आप, लेकिन ये मोटर सब में लगा सकते हो। और इनकी कलर कोडिंग हमेशा ही सेम रहेगी, इनके अंदर वाइट हमेशा कॉमन रहेगा, अगर इसकी जगह ब्लैक होता ना तो ब्लैक कॉमन होता, और इन सब के अंदर इसके अंदर भी वाइट कॉमन है। वाइट कॉमन इसलिए क्योंकि इसके अंदर ब्लू नहीं दे रखा, अगर ब्लू दिया होता तो ब्लैक कॉमन होता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वाइट कॉमन है। इस मतलब आपको मैक्सिमम क्या है, जितने भी मोटर होंगे उन सब के अंदर कॉमन जानने का तरीका क्या होगा, जो आप मोटर काटोगे ना उसका आपको मेन याद रखना है, मेन किस कलर का है। यानी देखो, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। अगर न्यूट्रल ब्लैक है ना, तो आपका जो मोटर का कॉमन होगा वो भी क्या होगा, ब्लैक होगा। अगर न्यूट्रल सफ़ेद है तो जो मोटर का कॉमन होगा वो भी क्या होगा, सफ़ेद होगा, ठीक है। तो जो आप मेन, जैसे कि आप मोटर कहीं से उतार रही है, आपका मोटर कहीं लगा पड़ा है, ठीक है, ये मोटर कहीं लगा पड़ा है, इसके कनेक्शन लगे पड़े हैं। अगर आप मेन यानी जो न्यूट्रल कॉमन है, कॉमन में से अगर व्हाइट काट रहे हो तो आपका मोटर का कॉमन कौन सा होगा, व्हाइट होगा। और जो आप मोटर लेके आओगे ना उस कंपनी का, उसका कॉमन भी व्हाइट ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो कंपनी सैंपल बनाती है ना, तो उनकी कलर कोडिंग को देख कर, उनके कलर कोडिंग के हिसाब से ही हमेशा सैंपल बनाती है, ठीक है। तो कलर कोडिंग जानने के लिए आप क्या है, जब भी किसी मोटर को उतारो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन कौन सा है, क्योंकि इन मोटर के अंदर कॉमन ही इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन गलत हुआ तो आपकी मोटर फूक जाएगी, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो गलत डायरेक्शन में है। मतलब कारण क्या है कि अगर आपका जो कॉमन गलत हुआ ना, तो आपकी मोटर फूक जाएगी, जिस कारण कॉमन गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें वाइट कॉमन है। वाइट कॉमन हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस मोटर को मैंने उतारा है और मैं काफ़ी टाइम से इस वर्क काम को कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इसमें वाइट कॉमन है, क्योंकि नीला और लाल टाइमर में जा रहे थे, और नीला और लाल टाइमर में जाने का मतलब क्या है कि जो हमारा वाइट है वो कॉमन है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर नीला और रेड, यानी ये जो ब्लू और रेड है ये क्या है, कैपेसिटर के अंदर जा रहे थे, और जो ये है ये जो वाइट कलर है ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब इस मोटर को चेक करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं इसका इंसुलेशन रिमूव कर लूँगा। इंसुलेशन रिमूव करने के बाद क्या है, मैंने सबके इंसुलेशन रिमूव कर लिए हैं। आप वायर कटर की यूज कर सकते हो, या जो भी आपके पास टूल्स हो उन टूल्स का यूज करके आप इंसुलेशन को रिमूव कर सकते हो। देख सकते हो इनकी जो गेज ही पतला है, क्योंकि ये मोटर रिपेयर है। अगर ये ओरिजिनल मोटर होता तो जो इनके गेज होते हैं, वायर गेज होते हैं, WSG के बारे में पढ़ा होगा आपने, स्टैंडर्ड वायर गेज, उनके मुकाबले मोटे होते हैं, लेकिन यहाँ वायर की जो गेज है वो बहुत ही पतले हैं, इससे हमें ओरिजिनल और लोकल मोटर का पता चलता है। वैसे तो ये मिस्त्री बता सकता है, कोई देख के नहीं बता सकता कि ओरिजिनल है लोकल है, लेकिन बेसिकली ये रिपेयर मोटर है, इसलिए इसके अंदर जो गेज है वायर की ये बहुत पतली है, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे, हमारे पास एक सीरीज टेस्ट लैंप है। सीरीज टेस्ट लैंप अगर आपको बनाना सीखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी कैसे चेक करते हैं। ये हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप है, देखिए इसमें क्या होगा, जब इसे आपस में टच करेंगे तो ये जो लैंप है वो ग्लो करेगा, ठीक है। यानी अगर वायर की कंटिन्यूटी होगी, देखिए यहाँ वायर की कंटिन्यूटी होगी तो वायर क्या होगा, बोलेगा। जैसे इसमें वायर बोल रहा है लेकिन इसमें वायर नहीं बोल रहा है, यानी देखिए जो वाइट है, वाइट के साथ क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है, वाइट के साथ क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है, लेकिन नीले के साथ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मोटर है वो खराब है, समझ आया क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी जो वाइट है ये दोनों के साथ बोलना चाहिए, जो वाइट कलर है ना ये दोनों के साथ बोलना चाहिए। अगर व्हाइट दोनों के साथ नहीं बोलेगा तो इसमें मतलब क्या, हमारा मोटर खराब है। देखिए व्हाइट लाल के साथ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन व्हाइट नीले के साथ नहीं बोल रहा है, व्हाइट नीले के साथ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब क्या, हमारी एक वाइंडिंग उड़ी हुई है। मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, तो हमारी एक वाइंडिंग उड़ी पड़ी है। अगर लाल हमेशा रनिंग वाइंडिंग होती है और जो ब्लू है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग उड़ी पड़ी है, जिस कारण ये हमारा मोटर है ये खराब है। तो यहाँ जितने मोटर पड़े मेरे पास खराब पड़े हैं, मैंने मोटर इसलिए दिखाया है कि मैं आपको इसमें कॉमन दिखा सकूँ, और कॉमन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने कॉमन का कनेक्शन गलत दिया तो आपकी मोटर फूक जाएंगे। देखिए सब में एक कॉमन बात क्या है कि सब में सफ़ेद कॉमन है,
सब में सफेद कॉमन है, ऐसा नहीं कि हमेशा सफेद ही कॉमन होता, कहीं नीला भी कॉमन होता, कहीं ब्लैक भी कॉमन होता है, लेकिन उनमें से क्या होता है कि नीला कॉमन हुआ ना तो उसमें ब्लैक नहीं दिया होगा, कभी भी अगर नीला कॉमन दिया होगा तो उसमें ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि नीले के साथ अगर ब्लैक आ गया ना तो ब्लैक कॉमन जाएगा। मतलब टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर नीला दिया जा रहा तो नीले के साथ कभी ब्लैक नहीं देंगे। देखिए नीले के साथ कभी कहीं ब्लैक नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नीले के साथ रेड दे रहे हैं, नीले के साथ रेड का मतलब क्या है, नीला स्टार्टिंग हो गया, रेड रनिंग हो गया, क्योंकि रनिंग का मतलब क्या है, रेड रनिंग हमेशा रेड ही दिया जाता है, मैक्सिमम कंडीशंस में रेड दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इनके कलर बदल दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी ब्लैक को रनिंग नहीं दिया जाता है, तो ब्लैक कॉमन भी हो सकता है और स्टार्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोटर में हमेशा आप ये ध्यान रखना कि आप कनेक्शन कैसे काट रहे हो, ये मत ध्यान रखना कि मोटर की क्या वाइंडिंग आई है, आप ये ध्यान रखो कि आपने कॉमन कौन सा काटा है, कॉमन जब काटते समय कॉमन का ध्यान दोगे तो कभी भी आपको कॉमन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे सीरीज से चेक किया जा सकता है कि कॉमन कौन सा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए अगर आप डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो तो आपको नॉर्मली इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। बस हो गया।